फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि वैक्सिंग करानी है, रेजर यूज करना है या कोई प्रोडक्ट यूज करना है, ये सब डिसीजन लेने से पहले ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि दो महीने से आप लोगों ने वेट किया था कि मैं फेशियल हेयर का अपना रिव्यू दूंगी, तो मैं आज रिव्यू लेके आ गई हूं। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड में आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ट्रस्ट मी, अगर आप दो महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको आपके फेशियल हेयर का सोल्यूशन जरूर दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज करुणा वर्मा एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू द फाइनल रिव्यू, द फाइनल 2 month रिव्यू ऑफ द हेड हेयर डिप्लेशन पैक। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट की हैं, फर्स्ट टाइम इसे यूज कैसे करना है, सेकंड टाइम 15 डेज का रिव्यू दिया कि ये प्रोडक्ट आपके फेस के लिए सेफ है या नहीं है, थर्ड टाइम मैंने रिव्यू दिया जब मैंने इसे 1 month तक डेली यूज किया, उसके बाद आज है फाइनल रिव्यू जो कि है 2 महीने का। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने 2 बॉक्स ऑर्डर किए हुए हैं, वो दोनों बॉक्स अब खत्म भी हो गए और साथ ही साथ 2 महीने तक वो 2 बॉक्स चले, और उस रिव्यू के साथ आज मैं यहाँ हूँ आपके साथ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट मी टाई माई हेयर, बिकॉज हिमाचल में इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत है और धूप की वजह से गर्मी तो फिर होगी ही। सो लेट मी टाई माई हेयर। अगर आपने मेरी समर हेयर केयर रूटीन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दूंगी, क्योंकि गर्मियों में हमारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने बालों की केयर करें, और साथ ही जिनके बाल रफ हैं उसके लिए मैं ट्रस्ट में की जो हेयर किट है उसे यूज़ कर रही हूँ, लगातार 1 महीने तक यूज़ करने वाली हूँ। तो द हीट के बाद जो नेक्स्ट रिव्यू वीडियो आने वाली है वो है ट्रस्ट में हेयर किट की। ट्रस्ट में हेयर किट में मेरे पास है शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क एंड सीरम। सो अभी तो मुझे मतलब 10 डेज, यस अबाउट 10 to 12 डेज हुए हैं यूज़ करते हुए, तो मैं पूरे 1 महीने तक पूरी किट को यूज़ करने वाली हूँ और फिर मैं आपको रिजल्ट शेयर करूंगी। सो जल्दी ही वो रिव्यू भी आने वाला है। चलिए इन बातों को खत्म करते हुए हम अपने द हेड के ओरिजिनल रिव्यू की तरफ चलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया था अप्रैल से मई से जून, तो मैंने ये प्रोडक्ट डेली यूज़ किया है, डेली अपने फेस पे एक टाइम अप्लाई किया है, और मैंने पहले की वीडियोस में बताया था कि आपको कैसे इसका पेस्ट बनाना है और कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि उसे 30 मिनट तक अप्लाई करना होता था पेस्ट को पूरे अपने फेस पे, तो मैंने पूरे 2 महीने वो प्रोडक्ट यूज़ किया है और मैंने 2 बॉक्स मंगवाए थे, तो 2 बॉक्स जो है मेरे 2 महीने चल पड़े, तो प्रोडक्ट भी खत्म हो गया, तो मुझे लगता था कि अब मुझे रिव्यू पोस्ट कर देना चाहिए। और बहुत से क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में थे, लोग बहुत कंफ्यूज थे और सब लोग जानना चाह रहे थे कि फेशियल हेयर के लिए ये क्या ही काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वहाँ पर मैं लोगों का एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी। मैंने अपनी पहले वाली वीडियोज़ में भी 2 चीज़ें कही थी, मैं फिर से वो कहना चाहूँगी कि फर्स्टली हम सबकी जो हेयर ग्रोथ है वो अलग होती है, ओके, क्योंकि जो मैं रिजल्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उससे पहले आपको ये चीज़ पर माइंड में रखनी होगी कि जो हमारे फेशियल होते हैं उनकी सबकी ग्रोथ अलग होती है। चीक्स के अराउंड जो है होते हैं वो बिल्कुल पतले पतले होते हैं, छोटे छोटे, और जो नेक और चिन एरिया अराउंड होते हैं वो बाल थोड़े से मोटे होते हैं और लंबे भी होते हैं, और ये सबके डिफरेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक के ऐसे हैं तो सबके वैसे होंगे, हर इंसान की जो फेशियल हेयर या बॉडी हेयर ग्रोथ है वो डिफरेंट है, तो वो जो प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे वो भी डिफरेंट रिजल्ट देगा, डिफरेंट टाइम में देगा। हो सकता है किसी इंसान को रिजल्ट 1 month में आ जाए, मुझे नहीं मिले जब पहले 1 महीने में, तो क्या पता आप में से किसी को यूज़ करके 1 month में आ जाए, मुझे नहीं मिले। तो इससे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि सबकी फेशियल हेयर ग्रोथ अलग है, तो ये रिजल्ट्स भी डिफरेंट देगा। एंड सेकंड, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे कमेंट सेक्शन में वो ये थे कि ये आपके बालों को पूरा जड़ से ख़त्म कर देगा या फिर से बाल आएंगे, तो फिर से बाल आने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक हेयर रिमूवल पैक नहीं है, ये एक हेयर डिप्लीशन पैक है जिससे आपके जो बाल हैं वो धीरे 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 कम होंगे। तो जो द हेड प्रोडक्ट है वो ये आपको ये बताना चाह रहा है कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करके जो आपके फेशियल हैं वो धीरे धीरे कम होंगे, अगर वो रिमूव हो जाते तो फिर मुझे 2 महीने यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए, अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो मैंने 2 महीने लगातार इस प्रोडक्ट को यूज़ किया अपने फेस पे, ठीक है, तो बीच में जब स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं मिले, 1 महीना लगातार मैंने यूज़ किया और मुझे स्टार्टिंग में कोई रिजल्ट नहीं मिले, तो मेरा मन किया कि क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट को लगाना छोड़ दूँ, क्योंकि 30 मिनट्स बहुत होते हैं। आप जब ट्राई करेंगे आपको पता चलेगा कि किसी प्रोडक्ट को 30 मिनट्स अपने फेस पे लगाना, ड्राई होने का वेट करना, वो बहुत एक दिन ठीक होता है, 2 दिन ठीक होता है, जब डेली आपके रूटीन में ऐड हो जाता है तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है आपका शेड्यूल। बट मैंने फिर भी आप लोग के जब कमेंट्स देखे मुझे लगा कि सिर्फ रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए, इतने लोगों को भी रिजल्ट चाहिए, आप लोग वेट कर रहे हैं, तो मैंने लगातार इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है। तो ट्रस्ट मी, जो भी रिजल्ट मैं आपके साथ बताने वाली हूँ ये रिजल्ट बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू रहने वाला है, क्योंकि मेरी फेशियल हेयर जो ग्रोथ है वो पहले नहीं थी, ओके, लाइक जब मैं 21-22 तक मेरी फेशियल हेयर ग्रोथ इतनी नहीं थी, जस्ट जब मैंने वेट गेन किया उसके बाद मेरी जो फेशियल हेयर ग्रोथ थी यहाँ से लेके इस एरिया में बहुत ज़्यादा हो गई, और जो चिक्स के हेयर बिल्कुल दिखते भी नहीं थे वो बाल भी दिखने स्टार्ट हो गए यहाँ से। तो मुझे टेंशन हुई कि पता नहीं PCOS और PCOD में काफ़ी चांसेस रहते हैं कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, तो मैंने टेस्ट करवाया, वो भी नहीं था, तो उन रीजंस की वजह से मेरी हेयर ग्रोथ हुई पहले, क्योंकि ये नहीं थी, सडन वेट बढ़ने की वजह से मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो हुई। आपके अलग रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है आपकी पहले से ही हेयर ग्रोथ ऐसी हो, बाल पहले रूट से ही मोटा हो,
हो सकता है मेरी तरह किसी वेट एकदम बढ़ने से इस वजह से हो या फिर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो, तो आप प्लीज़ एक बार ये भी जाके कंफर्म करें कि जो आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ है वो पहले से ऐसी थी कि या वो अभी किसी रीजन की वजह से हुई है, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम एक प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो फेशियल हेयर ग्रोथ है वो किस वजह से है। ओके, तो अब अगर बात करें द हेट के दो महीने के फाइनल रिव्यू की, तो एक महीने जब मैंने इसे यूज़ किया तो एक महीने में मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखा था। ठीक है, मेरी फेशियल हेयर ग्रोथ जो थी वो यहाँ से थोड़ी कम थी, बट ठीक थी, नॉर्मल। यहाँ से स्टार्ट होके ज़्यादा स्टार्ट होते थे, यहाँ पे आप पहुँच गई थी, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर मैंने प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया। आपने देखा होगा पहले की वीडियो में मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई करती थी, तो मैंने प्रोडक्ट डेली यूज़ किया है, लगातार यूज़ किया है। तो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद क्या हुआ, एक महीने के बाद मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले थे और आज मुझे यूज़ करते हुए दो महीने हो गए हैं। तो इस हेयर डिप्रेशन पैक को यूज़ करते हुए जो कि आपके बालों को कम करेगा, तो ऑनेस्टली मैं आपको दूँ तो क्या हुआ कि जो मेरे चिक्स एरिया थे, ये वाले एरिया और ये वाले एरिया, तो जो हेयर ग्रोथ यहाँ पे थी, बाल ख़त्म नहीं हुए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाल पूरे गायब हो गए, बट जो मेरे बाल थे वो जनरली उनमें एक चेंज था, जैसे हेयर मेरे पहले थे वैसे हेयर अब नहीं है। ये बाल रूट्स इनकी बहुत ही कमज़ोर और बाल बहुत लाइट हो गए, जैसे ब्लीच वर्क करती है बट इन अ गुड वे। जब आप फेस पे ब्लीच लगाते हैं बाल वहीं पे होता है बट बाल गोल्डन हो जाता है। ठीक है, तो बाल वो शाइन करते हैं, बट द हेट ने वैसा कुछ काम किया बट इन अ नेचुरल वे। इसने इसकी रूट्स को बहुत कमज़ोर कर दिया है और उनका कलर हल्का सा, स्लाइट हल्का सा कलर चेंज भी हो गया है। जैसे कि पहले वो ब्लैक बाल दिखते थे वैसे नहीं दिख रहे हैं, उनकी रूट्स थोड़ी सी पतली हो गई। अगर मैं वीडियोस मेरे पास पहले की हुई तो मैं उन्हें ऊपर दिखाऊंगी, अगर नहीं हुई वीडियोस तो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, बट मुश्किल है। सी ये ग्रोथ तो आप देख सकते हैं, ये हेयर ग्रोथ है, ये वाले बाल जो है बिल्कुल मैं उतना फर्क नहीं कहूंगी, बट ये बाल पतले हो गए हैं जो यहाँ वाले पूरे बाल थे। पहले ये थोड़े मोटे थे, थोड़े पतले हो गए हैं पहले से, कि अगर आप यू नो फोन के कैमरा के थ्रू देखेंगे तो आपको कोई चेंज नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो विजिबल हेयर है वो तो दिख ही रहे हैं क्योंकि वो गायब नहीं हुए हैं, बट पहले के बालों से बाल बहुत ही पतला और हल्का सा उसका कलर चेंज हो गया है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करते रहें तो आपके बाल जो है इन अ नेचुरल वे बिल्कुल लाइट, मतलब अभी बाल मुझे ये वाले जहाँ के बाल मेरे पतले थे पहले से, ओके, जो मोटे लंबे बाल नहीं, बिल्कुल पतले वाले बाल थे उन पर इसने काम किया है। ठीक है, और सेकंड जो यहाँ के बाल बहुत ही बड़े बड़े थे उन पे काम बहुत स्लो हुआ, बहुत स्लो। तो मैंने दो महीने यूज़ किया, मे भी हो सकता है कि इस प्रोडक्ट का जो काम है वो आपके बालों को डिप्लीट करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए अब डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी पे कितना टाइम लेता है। मेरे जो बॉडी हेयर्स हैं ये नेचुरल अभी बचपन से नहीं है, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि ये अभी सडन पिछले 3-4 सालों से एकदम से हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ हुई, तो ये उस वजह से है। तो इसने मेरे चिक्स एरिया पे और चिन एरिया पे बालों को डिप्लीट किया है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया है, बस जो बाल थे उनका कलर हल्का सा चेंज हुआ है और बाल रूट्स उनकी बहुत पतली हो चुकी हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जिन लोगों के फेस पे बहुत ही कम बाल हैं, जो ब्लीच यूज़ करते हैं या फिर एक हेल्दी वे में चाहते हैं कि दिखते तो नहीं है बाल बट फिर भी चाहते हैं कि रिमूव करना, तो उनके लिए तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी काम करेगा। कि अगर आप छोटे छोटे बाल हैं उन पर यूज़ कर रहे हैं तो आपके लाइक, मैं अब एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो नहीं बता सकती बट मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी रूट्स बिल्कुल पतली हो जाएंगी और बालों का कलर चेंज हो जाएगा। और जिनकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, नेक की जैसे मेरी है और डार्क हेयर है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप पहले एक बार वैक्स यूज़ कर लें, वैक्स यूज़ करने से जो है वो एक बार रिमूव हो जाएंगे, फिर सेकंड टाइम जब आएंगे तो उसके साथ साथ आप द हेट का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये रिव्यू यहाँ पे इसलिए ख़त्म होता है कि द हेट का प्रोडक्ट को मैं ऐसे आगे यूज़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मुझे गर्मी की वजह से भी कई बार पिंपल्स आते रहते हैं, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है यूज़ करने के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे प्रोडक्ट की वजह से चेहरे पर कुछ हुआ, ऐसा नहीं है, गर्मी की वजह से पिंपल्स होते हैं, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जो पिंपल्स होते हैं तो अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई ना करूँ। तो उस वजह से ये वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी, इससे आगे रिव्यू पोस्ट नहीं करूँगी। इससे आगे रिव्यू जो आएगा वो रिव्यू आएगा कि मैं और किस वे में अपने फेशियल हेयर और नेक हेयर, तो मैं नेक हेयर को भी फेशियल हेयर में ही इंक्लूड कर रही हूँ इतने पार्ट को। तो फेशियल हेयर के लिए मैं अब आपको, एक तो मैं वैक्स यूज़ करने वाली हूँ बट आई डोंट नो कब, नेक एरिया पे, तो वो चीज़ तो रहेगी ही रहेगी क्योंकि वो सेफ है और मैं मतलब रेगुलर मंथली करवा सकती हूँ, बट फेस पे आई डोंट नो, थोड़ा रिस्की है। बट डोंट वरी, अगर आप मेरे चैनल पे आए हुए हैं और आप इतने लंबे टाइम से, गाइस 2 महीने से आप लगातार वीडियो देख रहे हैं कि रिजल्ट आएगा आएगा, तो ये थोड़ी सी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मैं आपको सोल्यूशन दूँ इस चीज़ का। ओके, तो ये प्रोडक्ट हमने यहाँ तक ट्राई किया, तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट अच्छा है नो डाउट, बट डिपेंड किस पे करता है, आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ पे। ओके, और इसे एकदम से फेशियल हेयर रिमूवल प्रोडक्ट ना समझें, ये एक हेयर डिप्रेशन पैक है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को कम करेगा। और प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये सब मैंने पहले की वीडियोस में बताया है, तो आप जाकर पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड गाइस, रिव्यू तो हो गया बट एक
जनरल सजेशन के तौर पे यू नो मैंने रिव्यू पहले दे दिया, आप ऐसा ना सोचा कि मैंने वीडियो लंबी खींच कर एंड में जाकर बोला, ऐसा नहीं है। अगर आपने रिव्यू देख लिया है तो मैं आपको एक मिनट आपके फेशियल हेयर के बारे में बताना चाहूंगी। पहली बात, सबके जो फेशियल हेयर है वो अलग रहते हैं, या हम सबको पता है, बट इस हिसाब से आप डिसीजन लें कि जिनके बाल बहुत ही लाइट हों, बहुत ही ज़्यादा लाइट, उन्हें अपने फेशियल हेयर रिमूव करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप किसी भी मॉडल या किसी भी एक्ट्रेस के फेशियल हेयर देख सकते हैं, उनके फेशियल हेयर को मैक्सिमम टाइम लाइक फॉर 70% ऑफ द टाइम उन्होंने अपने फेशियल हेयर को ब्लीच किया होता है। ओके, क्योंकि जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं उन्हें बार बार रिमूव करना हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपके फेशियल हेयर विजिबल नहीं है एक यू नो डिस्टेंस से और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो प्लीज उसे रिमूव ना करें। जो आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करते हैं वो होते हैं अपर लिप और आईब्रोज, वो बेसिक रहता है, बट कोशिश करें कि स्पेशली इस एरिया के जो आपके फेशियल हेयर हैं उन्हें रिमूव ना करें। ओके, एंड सेकेंड है जिनके बहुत ही ज्यादा हेयर ग्रोथ है, वो रीजन समझ में आता है क्योंकि नहीं अच्छा लगता, मुझे भी अच्छे नहीं लगते, बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले डर लगता है, रेजर यूज करने से पहले तो बहुत डर लगता है, वैक्सिंग के लिए भी डर लगता है, बट इस एरिया में करवा सकते हैं इजीली क्योंकि ये स्किन थोड़ी रफ नहीं कहूंगी बट इसके मुकाबले थोड़ी यूज करने लायक जगह है, तो यहाँ पे तो आप एक्स करवा सकते हैं। और ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम इसी एरिया में होती है, लाइक यहाँ से। ओके, तो आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप इस एरिया में वैक्स यूज करें, और वैक्स यूज करने से पहले मैं नहीं कहूँगी हाथ पे टेस्ट करें क्योंकि हाथ पे तो सब करवाते हैं बाजू पे, आप यहाँ पे छोटा सा टेस्ट कर लें, ठीक है। अगर पिंपल्स हुए भी तो गाइस इतना सा रिस्क ले लो अपने नेक एरिया में, बिल्कुल एक पैच टेस्ट यहाँ पे लें या फिर यहाँ बिल्कुल छोटा सा पैच टेस्ट, ठीक है। तो इतने एरिया में तो आप वैक्स करवा सकते हो, अगर बहुत पिंपल्स हैं तो ये रिस्क मत लेना, ना ही रेजर यूज करना, ठीक है। तो अपने पिंपल्स को पहले ठीक होने का वेट करना, उसके बाद आप वैक्स चूज करना। रेजर एक ऑप्शन है, ओके, मैं मना नहीं कर रही हूँ आप रेजर यूज ना करें, रेजर एक ऑप्शन है, जो लोग डेली से यूज कर सकते हैं वो प्लीज ट्राई करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा इतने सारे लोग उसे यूज कर रहे हैं और कमेंट्स दे रहे हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट वही है कि अगर फिर आपको ये चीज डेली करनी पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मतलब कई बार चीज़ें नहीं हो पाती रेगुलर बेसिस पे, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ, और मैं ब्लीड यूज़ नहीं करना चाह रही अभी फिलहाल, मे बी इन फ्यूचर मैं यूज़ करूँ बट मैं अभी अपने फेस पे रेजर यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ। तो ये चीज़ें हमारी उसके लिए थी। और थर्ड सबसे ईजी, ओके, सबसे ईजी चीज़ जो है वो है नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, क्योंकि हमारे जो नेचर में बहुत सी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे फेशियल हेयर को यू नो लाइक नेचुरल ब्लीच वो काम करते हैं, जो फेशियल हेयर है वो लाइट होगा और जो स्किन है वो नेचुरली ग्लो करेगी, तो आपकी जो नीचे वाला बेस है स्किन है वो ग्लो कर रही है, और जो फेशियल हेयर है वो थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है, लाइट हो चुका है, तो ट्रस्ट में वो नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। ये वाले हेयर्स आपने जो है रिमूव कर लिए हैं विद वैक्स, और ये वाले फेशियल हेयर पे आप नेचुरल कोई भी चीज़ अप्लाई करें तो आपसे आपकी स्किन टोन ग्लोइंग हो रही है, ओके, फेयर हो रही है, फेयर मैं नहीं कहूँगी, तो उससे आपकी स्किन टोन जो है ग्लोइंग, और आपके फेशियल हेयर बहुत ही उनका कलर लाइट ब्राउन भी हो जाए, लाइट ब्राउन या फिर गोल्डन, तो ट्रस्ट में वो नहीं दिखेंगे और वो सेफ भी है। और बार बार रिमूव करना आपके फेस के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो अगर मुझे बहुत मैं चीज़ें ज़रूर अप्लाई करूँगी अपने फेस पे और कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहूँगी कि किन चीज़ों से मेरे फेशियल हेयर रिमूव होंगे, और या फिर ज़रूरी नहीं है रिमूव करना, एक लिमिट में भी आ जाए, जैसे कि द हिट प्रोडक्ट यूज़ करने से जिनके बाल इतने होंगे, कुछ और टाइम यूज़ करने से इनकी रूट्स और कमज़ोर हो जाएंगी और ये बाल धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो ये भी एक सेफ वे है बट थोड़ी लंबी प्रोसेस है। ओके, तो इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मुझे सॉल्यूशंस मिले या फिर मैंने वैक्स यूज़ की अपने नेक पे, तो वो तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, डोंट वरी। एंड मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैंने 2 महीने तक ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, ना आप लोगों ने वेट भी किया है, तो कहीं ना कहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको एक सेफ सोल्यूशन दूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ खुद घर पर बैठ के तो नहीं बनाऊंगी कि आप लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, सॉरी, बट मैं ये कोशिश करूंगी जो कुछ चीज़ें बाहर अवेलेबल हैं उन्हें मैं अपने पे ट्राई करूं और आपको एक रिजल्ट दूं जिससे आप अपने जो फेशियल हेयर होती है उस ग्रोथ से बचें। और बस, सो ये वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई द हेट रिव्यू सीरीज। लाइक 2 महीने से लगातार मैं वीडियोज पोस्ट कर रही हूँ, उन वीडियोज को देखने के लिए बहुत थैंक यू, और आपने इस वीडियो का वेट किया उसके लिए भी बहुत थैंक यू। और इसके साथ मैं और भी बहुत सी वीडियोस पोस्ट करती हूँ ब्यूटी से रिलेटेड और फैशन से रिलेटेड, मैं रिव्यू हॉल शूट करती हूँ और मुझे चीज़ों को रिव्यू करना बहुत पसंद है, लाइक कोई भी प्रोडक्ट हो, फेशियल, स्किन, हेयर, हेल्थ, कोई भी, और कपड़े, तो ऐसी वीडियोस मैं पोस्ट करती रहती हूँ। कभी कभी मैं डेली लाइफ व्लॉगिंग भी करती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ताकि इसके बाद वाली वीडियो जब आपके पास आएगी फेशियल हेयर से रिलेटेड तो आपको पता लग जाए। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू आर न्यू हेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।